वाला वेस्टर्न। अच्छा, भोजपुरी अब मुझे लग रहा है कि प्रगति की ओर जा रही है, क्योंकि इस फिल्म की निर्मात्री जी उनका ही नाम प्रगति धीरज सिन्हा, तो अब लग रहा है कि भोजपुरी प्रगति पे रहेगी। ये नया लड़का नया लड़की को लॉन्च कर रहे हैं, अधिक से नहीं आपकी रिस्क इसलिए नहीं है कि किसी जमाने में अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना सब नए ही थे और सारे लोग स्टार बने, और उसी तरह से भोजपुरी में भी पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, सब कभी नए ही थे, इवन आपके निरहु झा नए ही थे, तो नया ही तो पुराना होता है और वही बाद में सितारा बन जाता है तो लोग उसको स्टार बोलने लगते हैं। नया भी है, प्लस भोजपुरी में होता है कि सिंगर हो जाता है, लोग लॉन्च करते हैं, नॉन सिंगर को लॉन्च कर रहे हैं आप। ये एक शिकायत रही है कि लोग अभी तक यही रट लगाते हैं, जबकि हमारे सिंगर्स जो एक्टर बने वो भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं सारे ऑडियंस को एक म्यूजिकल भी दिमाग में फिट है कि ये सब तो सिंगर हैं, एक्टिंग अच्छा नहीं करते। तो मैंने कहा कि भाई एक्टर को ही लो जो एक्टिंग अच्छा कर सके, और सिंगर के लिए तो सिंगर सही है हमारे इंडस्ट्री में, सब एक से एक सिंगर हैं, भोजपुरी में भी और हिंदी में तो हैं ही, तो इसलिए मैंने कहा कि एक्टर को लिया जाए ताकि भोजपुरी वालों को कोई नया कुछ देखने को मिले, और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा लड़का भारत देश में ही है, और ये जोया दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, भोजपुरी होते हुए भी थोड़ा सा भोजपुरी हट के ताकि लोगों को एक नया टेस्ट मिले, क्योंकि फिल्म की कहानी भी नई टेस्ट की है, तो इस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है। भारत और जोया पे किस तरह से आपकी नज़र पड़ी, कैसे आप उनके अंदर कौन सी ऐसी खास बात आपको नज़र आई कि आपके फिल्म के लिए ये परफेक्ट जोड़ी है? देखिए, सबसे पहले हमारा एक सिलेक्शन में ये होता है कि कहा गया है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो किसी की चाह ही नहीं रहेगी या उसको हम ज़बरदस्ती एक्टर बनाना चाहेंगे तो बनेगा नहीं, तो एक तो इन लोगों की चाह थी और दूसरा सब अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे थे, जैसे कि हमारे भारत हैं तो भारत गांधी जो है सो यूट्यूबर है और यूट्यूब बॉय है और काफ़ी स्टार है वहाँ का और बहुत अच्छा नाम किया है, काम कर रहा है, जितने भी उसके सॉन्ग्स आए हैं ये आए हैं सारे लोग पसंद किए हैं, लाखों उसके दर्शक हैं, और जोया भी है तो सी इज़ वेरी डिवोटेड, ये करीब अभी जो दिख रही है 5-7 किलो ज़्यादा थी, तो मैंने पहले जांच के लिए कहा कि भैया 5 किलो ज़्यादा वेट कम करो, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बहुत कम दिनों में ये एकदम फिट होकर आई, कहती है कि देखिए मैं आप कैसी लग रही हैं हमको एकदम परफेक्ट, तो जिसको इतनी डिवोशन होगी तो एक्टिंग तो हर कोई एक्टर है आज दुनिया में, तो ये तो यंग लड़की है और काफ़ी टिकटॉक का ये ज़माने में हर तरह की एक्टिंग करती रहती है, डांसर भी जानती है अच्छा, और बाकी तो डांस मास्टर होंगे सारे लोग काम कराएंगे, और खास करके कहा गया है कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, जब लड़की सुंदर है तो जो कुछ करेगी सब सुंदर ही दिखेगा। तो जब नए कलाकार हो फिल्म में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वहीं पर अगर भरत की बात करें तो वो हरियाणा से हैं, उन्हें भोजपुरी भी नहीं आती, तो क्या लग रहा है उनके पीछे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, मेहनत भी तो मुझे आदत पड़ गई है और लोग इस बारे में जानते भी हैं, मेरी पहली भोजपुरी में मैं केरला की लड़की को लिया और सब लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि यार केरला की लड़की को लेकर क्या फिल्म बनाई है, अब मैंने क्या फिल्म बनाई होगी कि उसके बाद ये मेरी 26वीं फिल्म है, तो दैट मीन्स उसने जरूर अच्छा किया होगा, फिल्म भी अच्छी बनी होगी, तभी तो आगे डायरेक्टर को 26 फिल्में मिल जाएगी, तो इसलिए मुझे आदत पड़ गई है नए को ही लिखे करना, उसमें क्या होता है कि टाइम का ये रहता है ज़्यादा कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, वरना आर्टिस्ट अब भागते हैं यहाँ आधे घंटे एक शॉट देंगे फिर कहेंगे मुझे उधर जाना है, ये फिल्म करनी है, वो फिल्म करनी है, तो वो काम करने से ज़्यादा उनका ध्यान इसी में रहता है कि अब इस फिल्म से निकल के किधर भाग के जाना है, तो मैं शुरू से प्रेफर करता हूँ कि ये भागने वाले कलाकार क्या काम करें। दूसरी बात होती है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अब जैसे मान लिया है सिस्टर का रोल करना है लेकिन कर रहे हैं उसके साथ प्राइवेटली रोमांस, और डायरेक्टर ने कहा कि अभी आप इनको बड़े प्यार से राखी बांधिए और बहन की तरह इसे फील कीजिए, तो आप सोचिए कि अभी अभी आप रोमांस कर रहे थे तो अब कहाँ से आप फिल्म में बहन शो करिएगा,
तो कहीं से वो बहन दिखेगी नहीं और वो भाई भी नहीं दिखेगा। तो कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण मैं नए लोगों को रेफर किया हूँ। अब तक जिनको भी लिया हूँ सब भगवान की दया से वही सब स्टार बनते गए हैं, वही लोग तरक्की किए हैं और शायद उन्हीं लोगों की तरक्की के कारण मैं भी एक दो पैसा तरक्की किया हूँ और आज तक यहाँ हूँ आप लोगों के सामने। फिल्म की शूटिंग की आज शुरुआत है और आज बुलबुल गार्डन है, लोकेशन भी बहुत मायने रखता है फिल्म के लिए, तो क्या क्या लोकेशन आपके चयन किए हैं कि जहाँ पर शूटिंग हो? लोकेशन सारे अच्छे हैं हमारे और ख़ास करके इसमें प्रोड्यूसर्स का भी बहुत ये है कि जिस मकान को कम पैसे में भी किया जा सकता था लेकिन चूँकि कैरेक्टर रिच है तो सारे रिच लोकेशन को इन्होंने भी ओके किया जबकि पेमेंट उसका ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों के कारण लोकेशंस तो आजकल फिल्म में ग्लॉसीनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब वो ज़माना भी नहीं है बिल्कुल कि वो कद्दू का लत्ती और गांव का ये सब दिखाइए तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा नहीं है। पूरी ग्लॉसीनेस आई है, लाइफ स्टाइल भी बदला है, भोजपुरी पहले की तरह भोजपुरी अब नहीं रही है। हाँ, और यही कारण है कि मैंने अभी इंग्लिश में टाइटल रखा है। 66-67 में फिल्म बनी थी या 61-62 में एनी विनिंग इन पेरिस, हिंदी में पूरी फिल्म थी हिंदी में, फिल्म का नाम था एनी विनिंग इन पेरिस, वो फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो, ये सब हिट फिल्में हैं हिंदी की, वो इंग्लिश में टाइटल था। तो भोजपुरी अब तो 50-60 साल की हो गई तो अब इतना पीछे क्यों रहेगी, तो ये भी टीनेजर लव स्टोरी नाम रखता है। हालांकि कभी कभी दुख होता है, एक हमारे भोजपुरी वाले मिले तो मुझसे बोलते हैं कि भैया उसमें तीन हीरोइन है ना, हाँ तीन हीरो हैं ना, हमसे एक तो किसने बताया तो नहीं टीनेजर जो है, हम कह रहे किस क्लास में पढ़ते हो तो 12वीं में, अगर तो 12वीं में हो टीनेजर का मतलब तो तीन हीरो हीरोइन समझ गए। तो एक आध हैं ऐसे लेकिन वो भी अब उनको जानकारी दी जाएगी, मैंने समझाया बैठा के कि देखो टीनेजर का मतलब होता है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, तो ये सब में चूँकि टीन लगा है इसलिए 13 से 19 बरस के लड़के लड़कियों को टीनेजर कहा जाता है। तो कहा अरे भैया ये तो हम जन्मे नहीं कर रहे थे, हम कहा चलो अब ये फिल्म सर को मीडिया वाला सारा टीनेजर के हैं, सबको काम मिल सकता है बिल्कुल, इसमें जो टीनेजर होंगे उनको जरूर काम मिलेगा। हमारे राम जी है टीनेजर। जोया जी आपको फिल्म कैसी मिली टीनेजर लव स्टोरी? सबसे पहले मैं देखने वाले सारे दर्शकों को जोया की तरफ से नमस्कार और आप लोग कैसे हैं। मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है नो डाउट। मुझे ये फिल्म सबसे पहले मैं सर से मिली थी, एक इवेंट था मैं गई थी वहाँ पे तो सर मुझे दिखे, फिर वहाँ से बातचीत थोड़ी सी बड़ी, उसके बाद से सर पता नहीं क्या देखते मेरे अंदर बता नहीं सकते, लेकिन कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो इनको ऐसा लगा होगा कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है या आगे बढ़ सकती है, तो ये मुझे उन्होंने लिए और मैं बहुत लकी हूँ, थैंक यू सो मच सर कि आप मुझे ये चांस दिए। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मुझे आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी है और सर मुझे लॉन्च कर रहे हैं, सो आप लोग इतना प्यार दो कि सर मुझे सेकेंड मूवी भी रखे। तो जोया ये फर्स्ट मूवी थी इससे आपने हाँ कह दी या फिर इसकी स्टोरी आपने? नहीं नहीं अभी तक तो बहुत सारे फर्स्ट मूवी बन के आए लेकिन कोई स्टोरी अच्छी नहीं लगी, तो कोई ये वो ऐसे वैसे इसलिए नहीं, लेकिन इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने हाँ। क्या किरदार है इस फिल्म में आपका, आपके किरदार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा? इस किरदार में बहुत एटीट्यूड वाली लड़की हूँ, जैसे कि हमेशा एटीट्यूड में रहती हूँ, किसी को भाव नहीं देती हूँ, यही सब है बस। आपकी भोजपुरी की फर्स्ट मूवी है, भोजपुरी कौन सी फिल्में हैं जो आपने अभी तक देखी है और भोजपुरी के कोई सुपरस्टार या एक्ट्रेस के जिनको आप फॉलो करती हो या उनके बारे में आप जाओ, अब आप मूवी में काम करी तो उन्हें अब आप देखने की कोशिश करें तो उनसे आप कुछ सीख सकें भोजपुरी के? जैसे कि आपने बोला कि कौन सी मूवी आपने देखी है, मैं लगभग सारी मूवी देखी हूँ भोजपुरी की और मैं पवन जी को बहुत पसंद करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनके साथ छोटी सी क्लिप भी की थी, बहुत अच्छी रही उनके साथ में और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, खेसारी जी को भी बहुत पसंद करती हूँ, अभी तो वो बिग बॉस में गए हैं, मैं दुआ करती हूँ कि उनके चांद चांद लग जाए, जो भी है वो तो पहले से स्टार है ही है, इसके बावजूद भी मैं दुआ करती हूँ। विनर रहेगा। हाँ, दूसरी बात कि मैं इतना अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ, इतना अच्छा कि मैं चाहती हूँ कि मैं पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ
मैं इतना बड़ा तो रोल मुझे नहीं मिलेगा, जैसे कि वो लोग तो अमरपाली सिंह है, जैसे कि काजल अडवाणी जी है, उन लोगों के साथ वो लोग बड़ी बड़ी मूवी करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना अच्छा इस मूवी में कर जाऊँ कि लोग देख के बोले कि हाँ इसको भी एक चांस मिलना चाहिए। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात की जाए, उनके साथ किस तरह से कितना अच्छा उन्हें सब उनका सपोर्ट आपको मिल पा रहा है, क्योंकि आपकी फर्स्ट मूवी है और वो काफ़ी फिल्में और प्रोड्यूसर तो नहीं है लेकिन डायरेक्टर काफ़ी पुराने घरों की उन्होंने किया है, तो उनसे कितना सपोर्ट हो पा रहा है, उनसे काफ़ी सपोर्ट पा रहा है। हमारे डायरेक्टर सर जो हमारे साथ में बैठे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, और दूसरी बात कि अगर हम गलत करते हैं तो हमें प्यार से समझाते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत प्यार से समझा देते हैं, हमें बुरा भी नहीं लगता है और हम बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं। तो नो डाउट हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, अभी भी दूसरे दिन की बात वो भी बहुत अच्छे हैं, अगर वो हमें चांस देते तो शायद हम स्क्रीन में काम नहीं करते, लेकिन वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर सर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बिग बॉस कितना देखती हैं और कैसे देखती हैं, क्या वो? मैं पहले तो बिग बॉस नहीं देखती थी मैं पहले उतना फोकस नहीं करती थी बिग बॉस पे, जब से सितारी जी गए हैं ना तब से मैं रोज़ देखती हूँ, रोज़ देखती हूँ। तो क्या आप ये कलर आप भी देख रहे हैं बिग बॉस? आप देखने लगा हूँ अब, आपको लगता है हिंदी के बहुत सारे एक्टर आए थे और एक्ट्रेसेस, लेकिन दो तीन बार मैं देखा, जैसे उर्वशी ढोलकिया जो हमारी फिल्म ये की थी सास रानी बहु मकरानी, तो तब देखा, फिर इन दिनों खेसारी जी गए हैं तो थोड़ा देखना शुरू किया हूँ, क्योंकि तो ये भी बड़ी मेहनत से बेचारे बहुत नीचे से बहुत ऊपर आए हैं, और जो वो भी स्वीकारते हैं इस बात को कि मामूली शादी ब्याह में डांस करते करते आदमी आज एक स्टार बन जाए, तो जब भी कोई इस तरह की सफलता होती है तो मैं बड़ा इस पर गौर करता हूँ कि कोई आदमी इस पर कुछ खास बात तो होगी, कोई ऐसे ही तो बात नहीं हो जाती है, तो तब से मैं थोड़ा कभी बीच बीच में देखता रहता हूँ उनका एपिसोड, और मैं दुआ करता हूँ कि वो विनर रहें और कोई ना कोई आवाज़ लेके आए। थैंक यू सर, थैंक यू। जाते जाते मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग सारे लोग खेसारी जी को दिल से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, कि बहुत लोग बोलते हैं कि भोजपुरी ऐसा है वैसा है,